अश्विनी, किस तरीके की तैयारियां हैं, क्योंकि 1:30 बजे हाई टाइड का भी अलर्ट और चेतावनी जारी की गई है, कैसे लोगों को जागरूक किया जाएगा और इस बड़ी समस्या से निपटने के क्या इंतजाम है प्रशासन के पास? जी देखिए, हाई टाइड के दौरान अगर तेज़ बारिश होती है उसे निपटने के लिए लाइफ गार्ड की जो टीम है वो समंदर के किनारे लगाई गई है। इसके अलावा समंदर के पास नोटिसेस लगाई गई हैं कि कोई भी हाई टाइड के दौरान और तेज़ बारिश के दौरान समंदर के किनारे ना रहे जी। क्योंकि एहतियातन ये कदम उठाया जाना बेहद ज़रूरी है। हमने देखा कि जब भी हाई टाइड की स्थिति होती है और लोग समंदर किनारे जाते हैं तो हादसे को न्योता देने वाली बात होती है, और कई बार ऐसी घटनाएँ हुई भी हैं कि जहाँ पर लोग समंदर में फंसे हैं लाइफ गार्ड की मदद से उन्हें निकाला भी गया और कई बार लोगों की जानें भी जाती हैं। ऐसे में लोगों को एहतियात बरतनी चाहिए, तेज़ बारिश के समय समंदर किनारे बिल्कुल ना जाएं। हालांकि कुछ देर पहले तेज़ बारिश हो रही थी लेकिन इस वक्त बारिश जो है काफ़ी हद तक कम हो चुकी है। नतीजा यह है कि जो जलजमाव की स्थिति निर्माण होनी शुरू हो रही है, बिल्कुल हम देख पा रहे हैं लगातार बारिश हो रही है, आपके पीछे बारिश की तस्वीरें भी हम देख रहे हैं और हाई टाइड की चेतावनी भी 1:30 बजे जारी की गई है। शुक्रिया आपका पूरी जानकारी देने के लिए, नजर आप बनाए रखिएगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।